अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था और मैं जल्दी पहुँच गया था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हटी नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसकी मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई पड़ी हो। उसे देखकर पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था, मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे। यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, उसे कैसे मना करूँ, कैसे जाऊं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा था तब तक वो लड़की आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आँखों से उसका चेहरा मानो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरे नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वो वही थी। मानो जैसे मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त से गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वो वही नई लड़की थी
जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी, तो मैंने मानो हवा से उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा कि जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यह सोच कर मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातों से सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए, और मैं उसे दूर नहीं जाना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे जब पहली नज़र में देखा था तो मैं अपना उसे दिल दे चुका था। दिन बीत गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाकर अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उसे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कह दिया, और इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी, वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहले दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और वो धीरे धीरे मानो मेरी सांस रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया, बस ऐसा लग रहा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ फिर वहीं से रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब मैं बात बदल दिया और वो वहाँ से चली गई, और मैं वहीं बैठा का बैठा रह गया। मुझे उस सपने का समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहले का दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर मत करना, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपनों में ही अपना बनाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में।